हाय मेरी माँ मेनू मारदा, हाय मेरी माँ। और लाइव के दौरान उन्होंने दसिया तीन व्यक्ति वो अपने घर पे आए और उन्होंने अपने माता जी काफ़ी गंभीर सट्टा मार के चले गए ने। किसी अननोन बंदे इनके घर पे जाना उतने वारदात करने के बारे में कोई सबूत सामने नहीं आ रहा है। माता जी बिल्कुल ठीक ठाक ने पिटे और उन्होंने बयान देता उस दिन को रात को करीब 10 बजे जड़े मुदई है कुलविंदर किंदा जिन्होंने वायरल किया लाइव होके असी उन्होंने ही गिरफ्तार कर लिया है क्योंकि पिछले 21 जून नु बदनी कला एरिया दे विच रहंदे एक कबड्डी प्लेयर कुलविंदर सिंह किंदा उन्होंने देर रात नु अपने फेसबुक पेज तो लाइव होया सी और लाइव के दौरान उन्होंने दसिया तीन व्यक्ति वो अपने घर पे आए और उन्होंने अपने माता जी नु काफ़ी गंभीर सट्टा मार के चले गए ने। इधर बारे में उन्होंने जड़े जख्मी हुए या माता जी के साथ साथ होते इन्होंने लाइव होके वीडियो वायरल की है और जदों ये इंफॉर्मेशन सू मिली सी इमीडिएटली बदनी कलां पुलिस और DSP निगाल सिंह वाला मौके पर जाके तफ्तीश करना शुरू कर दी गई है और मुरली सहायता लई माता नू मोगा सिविल हॉस्पिटल मूव कराता और उत्तों आगे फर्दर इलाज के लिए DMC भी रेफर हुए ने और माता जी बिल्कुल ठीक ठाक ने पिटे और उन्होंने बयान देता उस दिन को रात को करीब 10 बजे दो तीन अननोन बंदे उनके घर पे आए हैं सट्टा मार के गए हैं। उसी के मुताबिक हमने जड़े सेक्शन के मुताबिक केस रजिस्टर करना असी अनपहचान के खिलाफ केस रजिस्टर करके DSP निगाल सिंह वालों SHO वालों तफ्तीशी अमल च लिया जा रही थी। उन्हें इस तफ्तीश के मुकम्मल होने असी जड़े मुदई है कुलविंदर किंदा जिन्होंने वायरल किया लाइव होके असी उन्होंने ही गिरफ्तार कर लिया है क्योंकि उस दिन ची उन्होंने ये अपने माता का कैरेक्टर के बारे में थोड़ा शक करते हुए जड़े बदनी कला मेन रोड पे एक मीट शॉप तो जड़े मुर्गी काटना का दहा होता है नाइफ है उधर लेके घर पे चला गया और माता नाल इन्होंने खुद लड़ाई करके उन्होंने सट्टा मारी है और निजी कारण करके जड़े ये कबड्डी प्लेयर करके इन्होंने तीन कबड्डी प्लेयर दे नाम लिया सी। असी हुण तक जड़े इन्वेस्टिगेशन की है उधर विचों CCTV कैमरा भी देखी है बाकी गलों तो तस्दीक किया है किसी अननोन बंदे इनके घर पे जाना उत्ते वारदात करने के बारे में कोई सबूत सामने नहीं आ रहा और जड़े कुलविंदर किंदा ने खुद अपने माता नू सट्टा मारी है और उन्हें असी इसके आज अरेस्ट भी कर लिया है फर्दर रिमांड से लेवांगे इन्हें पूछताछ करांगे ये क्यों होया की है बाकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है।